20वां भाग। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को अच्छी न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू होने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो इसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडी पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस प्रकार से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बहरहनला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। त्रिगत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। महल में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोक से आतुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है,
गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखती रह गई। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाए। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से महल में जाकर कहा, सरंधरी चौपड़ की गोटे तो ले आओ जरा, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे में पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे, खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, विराट ने कहा। निस्संदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो ब्रहनला उनकी साथी बनती ही कैसे, कंक ने कहा। विराट झुंझला कर बोले, आपने भी ये क्या ब्रहनला ब्रहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप अपने साथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब ब्रहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रहनला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे हैं। क्यों, तुम क्यों उदास हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट को समझ ही नहीं सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा, सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। हाँ यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो सकता है। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय के बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने के पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।